सो नमस्कार दोस्तों, टेक ड्राइट प्रो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, आपको अपने थंबनेल में देख ही चुका होगा कि मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप 2022 में अपने राशन कार्ड की लिस्ट को कहीं से चेक कर सकते हो। क्या होगा कि आप जैसे 2022 आए तो क्या होगा कि बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे जिसमें कि आपको राशन कार्ड लिस्ट जिसका नहीं बना है उसको भरने के लिए कहेंगे, लेकिन भर लेंगे तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगा कि भर लेंगे फॉर्म तो अब भरने के बाद एक चीज चेक करना पड़ेगा कि राशन कार्ड की लिस्ट में आपका नाम आया है नहीं, ये सारे चीज चेक करना पड़ता है। तो आप चेक करने के लिए क्या करते हो, डीलर के पास जाते हो या तो आप सरपंच मुखिया सारे के पास जाते हो, जिससे कि आपको ना बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज की वीडियो को आप सब ध्यान से देखते हो ना तो क्या होता है कि आप ना घर बैठे ही आप अपना है ना जो राशन कार्ड की लिस्ट को बिल्कुल चेक कर पाओगे, अपने साथ पूरे गांव का आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो पूरा फोटो के साथ सब कुछ डिटेल इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा वीडियो को ध्यान से देखिए बिना स्किप किए हुए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक हमारे इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक करके बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा कर सेट कीजिए ताकि आप सबको ना लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल पाए। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देंगे तो और भी लोग 2022 में अपने बिल्कुल जो है ना राशन कार्ड के लिस्ट को बिल्कुल खतरनाक तरीके से चेक कर पाएंगे। और साथ साथ ही आपको करना क्या है, कमेंट के अंदर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए राशन कार्ड लिस्ट। तो इतना छोटा सा काम करने का बात आपको करने की ध्यान से देखिए, इसके लिए कोई एप्लीकेशन का जरूरत नहीं पड़ना, बस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। तो ट्रिक क्या है जाने के लिए ध्यान से देखिए। तो इसके लिए सिंपली आप अगर चाहते हो कि राशन कार्ड का लिस्ट हम कैसे चेक करें तो ध्यान से देखिए, आपको अपने फोन के किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, जैसे मैं गूगल पर आया तो आपको भी आना है। ध्यान से देखना, हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रिक को ध्यान से देखिए। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च करना है, यहाँ पर आपको लिखना है EPDS EPDS बिहार BIHAR, यहाँ पर लिख दोगे जैसे ही यहाँ पर देख लीजिए मैं बिहार से रिलेटेड बना रहा हूँ तो यहाँ से इसलिए बिहार दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ, जैसे सर्च करूंगा EPDS बिहार तो देख सकते हो यहाँ पर एक वेबसाइट खुल के आया है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए EPDS गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यही लिंक आएगा आपके सामने, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये मैं स्पेशली बिहार के अंदर के लिए बता रहा हूँ, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो कमेंट में बताना आप किस स्टेट से हो तो मैं उस पर भी बना दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है ध्यान से, सबसे पहले देखने से पहले आपको क्या करना है, थ्री डॉट पर आना है, आपको डेस्कटॉप साइट पर कर देना है ताकि आप सब ना आसानी से कंप्यूटर की तरह यूज कर पाए, इसलिए डेस्कटॉप साइट पर दे देना है। तो आपको यहाँ पर दोनों हाथ से प्रेस करके इसे बड़ा करना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे RCMS रिपोर्ट, देख सकते हो यहाँ पर है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको लाइक कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा, ध्यान से देखिए हर एक स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जैसे आएगा तो यहाँ पर क्या करना, आपको शो पर क्लिक करोगे तो भी आपको डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर देख सकते हो सारा डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो तो यहाँ पर सारा देख सकते हो, कौन से बिहार के सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मैं लखीसराय ढूंढता हूँ, जैसे कि यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, देखिए जैसे कि मिल चुका है 25 नंबर 25 देख लीजिए लखीसराय मिल चुका है 25 नंबर पर ना, तो आपको यहाँ पर लखीसराय पर नहीं, ये ब्लू वाला पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आपको ना ब्लॉक पूछा जाएगा, देख सकते हो ब्लॉक है ना, ब्लॉक आप ब्लॉक जिस भी हो सूर्यगढ़ा से है तो हम सूर्यगढ़ा पर करते हैं। जैसे कर दिए तो फिर आपको ये इस तरह से पेज खुल के आएगा, तो यहाँ पर पंचायत ढूंढेगा, तो पंचायत जो भी है यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरा पंचायत यहाँ पर मैं अपना ढूंढ लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर देखता हूँ, वैसे यहाँ पर मैं कोई भी कर सकता हूँ लेकिन मेरा किरणपुर है, तो 16 नंबर देख लीजिए किरणपुर है, तो किरणपुर पर क्लिक कर लिया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक पेज खुल के आएगा जिसमें कि आपको विलेज दिखाया जाएगा, तो विलेज आपका कहाँ है वहां दे दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर किरणपुर है मेरा तो किरणपुर देता हूँ, कोई भी दे सकता हूँ आप, बिहार के किसी बिहार में कहीं का भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो इस वेबसाइट से। तो यहाँ पर देखिए राशन कार्ड, यहाँ पर देखिए आप क्या यहाँ पर आ गया, सब कुछ लिंक आया, नाम आ गया, यहाँ पर देख लीजिए सारा चीज आ गया, राशन कार्ड यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप जाओगे राशन कार्ड लाने के लिए जहां से आप जा रहे हो लाने के लिए डीलर के पास, तो आपको क्या करना है, ये वाला नंबर आपको लिख लेना है, ये जो ब्लू वाला है ध्यान से देखिए, इसके अंदर भी जो कि वहां पर खोजने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए मैं कोई भी एक ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर किसी का भी मैं दिखा सकता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया फोटो के साथ, देख सकते हो
फोटो के साथ राशन कार्ड दिखा रहा है। वाह यार कितना कमाल का है, देख लीजिए पूरा दिखा रहा है जिसका भी नाम है, यहाँ पर सब कुछ दिखाएगा, पिता का नाम, सदस्य का नाम, आयु, मुखिया का संबंध, यहाँ पर मुखिया कौन है नाम उसका भी देगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। मैं दूसरे पर भी आके दिखाता हूं, मैं दूसरे पर क्लिक किया, ये भी खुल गया, फोटो आ गया, देख सकते हो सारा डिटेल आ चुका है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर देख लीजिए मोबाइल भी संख्या दिया हुआ है, पहले मोबाइल नंबर दिखता था लेकिन अब नहीं, सिर्फ लास्ट का चार डिजिट दिखेगा, देख सकते हो फोटो तो पूरा दिख रहा है, पहचान ही लोग है। तो लाइक कुछ इस तरीके से आप चाहो चेक कर सकते हो, आप कहीं का भी, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ और भी कर दूंगा। तो यहाँ पर एक और चीज समझाना है आपको, जो कि यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 50 दिया हुआ है, 50 लिस्ट दिया है, ये पहला लिस्ट हुआ, और भी देख सकते हो, मैं यहाँ से थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ ये कितना लिस्ट है, अभी 10 से भी ज्यादा है, ये 10 ही है अभी, 10 है, इसमें मैं क्लिक करूंगा बिंदु बिंदु पर तो और भी खुल के आएगा, देख सकते हो। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, टोटल 12 लिस्ट दिया हुआ है, तो जिस लिस्ट 16 लिस्ट पर आया तो देख लीजिए ये 16 लिस्ट खुल के आ चुका है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो 16 लिस्ट भी खुलेगा, तो देख सकते हो सारा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। पता नहीं ये शायद फोटो नहीं दिया होगा इसीलिए इसका फोटो नहीं आया है, लेकिन आपने फोटो दिया हुआ तो आपका पक्का आ जाएगा। तो आप चाहो तो लाइक कुछ इस तरीके से अपना इस्तेमाल करके, गूगल का इस्तेमाल करके आप अपने राशन कार्ड के लिस्ट को पता कर सकते हो कि नाम आया है या नहीं, आप अपने साथ किसी का भी पता कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर यही था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा ये वाला इस चीज के बारे में। अगर आपको पसंद आया, थोड़ी सी भी इसकी मदद मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा कर प्रेस सेट करना, साथ साथ ही आपको इस वीडियो को शेयर करना, और कमेंट के अंदर आप लोगों ने अपना स्टेट का नाम लिख देना है, आप कहां से हो वहां का भी नाम लिखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।